हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागवेकर और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो आज है डे 21 एंड अब बजे है कुछ 9:30। सो अब मैं लेके बैठी हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने बनाया है खीरा का पराठा। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है बनाने के लिए और मुझे पता नहीं था कि इतना पानी छोड़ेगा और फुल मेरा मेस हो जाएगा, पर फिर भी मैंने ज़्यादा आटा डाल के बना दिया। और अब हम टेस्ट करते हैं, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिया है, सो हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं। टेस्ट अच्छा आ रहा है बट बहुत च्यूई है, लाइक बहुत बार चबाना पड़ रहा है। सो देखते हैं, खाते हैं, अब इसे ही खाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में, और क्या ही कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, मुझे आप लोगों में से ही एक ने कमेंट में पूछा था कि क्या आपके मम्मी पापा को पता नहीं है इस चैनल के बारे में। सो उनको नहीं पता है और उसका कारण ये है कि जब मैंने जॉब छोड़ा था, मैंने फरवरी मंथ के एंड में जॉब छोड़ा था, और तब मैंने ये डिसीजन लेके जॉब छोड़ा था कि मैं दूसरा जॉब सीख करूँगी और उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट जॉब बेसिकली, और उसके प्रिपरेशन के लिए मैं वो जॉब छोड़ूंगी और थोड़ा गैप लेके फिर एग्ज़ाम्स आंसर करके दूसरा जॉब लूँगी। बट बीच में मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोस करा करती थी यूट्यूब पर, मेरा चैनल था वोग डायरीज करके। सो मुझ में वो था, लाइक मुझे करना है, मुझे यूट्यूब करना है। और फिर मुझे लगा कि इससे बेहतर और अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं दिन भर तो घर में ही हूँ और मुझे चैनल तो शुरू करना ही था, इसलिए मैं एफर्ट इसमें भी डाल सकती हूँ और उसमें भी डाल सकती हूँ। हालांकि ज़्यादा एफर्ट यूट्यूब वीडियोज़ में जा रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरा पैशन है यूट्यूबर बनने का। सो इसलिए मैंने नहीं बताया कि वो सोचेंगे कि क्या ये लड़की जॉब छोड़ के घर बैठी है और पढ़ाई करने के, मतलब वो करने के बजाय ये करी है, यूट्यूब वीडियोस करी है, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम भी कोई ग्रोथ नहीं दिखी थी। सो इस टाइम भी मुझे इस लेवल पे जाके उन्हें नहीं बताना है कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी ऐसे करी है, इस पर भी नहीं ग्रोथ हो रहा है, और ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा हो जाएगा इसका और ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। सो मुझे ये इम्प्रेशन में उन्हें नहीं लाना है, इसलिए मैं उनको नहीं बता रही हूँ अभी, फ्यूचर में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि पेरेंट्स है यार। और इस पर मुझे अभी दिख रही है ग्रोथ, और आप मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ आप सबके लिए। एंड हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी इन सम मंथ्स। सडनली बहुत सारी गर्मी होने लगी। ओके, सो मैं कहती मैं ज़रूर बताऊँगी उन्हें, मे बी इन 3 to 4 months, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ग्रो करूँगी या आपका बहुत सपोर्ट है मेरे पास। एंड येस, चिंता मत करो। सो अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो तो पहले कुछ करके दिखाओ और फिर आपके पेरेंट्स को बताओ, फिर उन्हें भी प्राउड फील होगा आप पे कि हाँ हमारी लड़की ने, हमारे लड़के ने कुछ करके दिखाया है। और ये मैं जिद रखती हूँ कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगी इस टाइम, क्योंकि हाँ यार मुझे, मेरा पैशन है यूट्यूबर बनने का। सो हाँ, इसके लिए अगर आपका पैशन है कुछ भी करने का तो पूरी जी जान लगाओ वो करने में, और एक दिन आप वहाँ सक्सेस पाओगे ही पाओगे। एंड या अब मैं ये इन्जॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट, और बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं डायरेक्टली आपको मिड मील स्नैक के टाइम मिलती हूँ। बस अब 11 बज गए हैं और अब टाइम है हमारे मिड मील स्नैक का। सो मैं लेके बैठी हूँ वाटरमेलन। आप अभी तक नहीं जानते हो मेरा कौन सा फेवरेट फ्रूट है, तो आप मुझे अच्छे से फॉलो नहीं करते, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन ही है गाइस। सो चलो लेट्स टेस्ट, होप ये मीठा हो आज। ऑल्सो गाइज, आप पूछोगे वेट अपडेट के बारे में, बट वो मैं आज नहीं दूंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मैं चैलेंज वीडियो डालने वाली हूँ नेक्स्ट, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी निराश भी हूँ, बट इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। ऑल्सो मेरे दिमाग में और एक स्ट्रेस है, जो कि मेरे आँखों के रिगार्डिंग है। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने, उन्होंने बोला है एवरी 2 या 3 मंथ्स आओ,
क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मेरे लेफ्ट आई में केराटोकोनस करके एक प्रॉब्लम है और वो मेरे राइट आई में भी डेवलप हो सकती है। लेफ्ट आई की मेरी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, सो वो राइट आई में डेवलप ना हो और वो हम प्रिकॉशंस ले, इसलिए मुझे चेकअप करवाने जाना पड़ता है एवरी 3 मंथ्स। एंड कल हमें पता चला कि मेरे आँखों में एलर्जी है और उसके लिए मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि हम फाइंड कर सके कि क्या एग्जैक्टली कैसी एलर्जी हुई है, और इसलिए मेरा जो रिकवरी है वो नहीं हो रही है आँखों की, लेफ्ट आई की स्पेशली। एंड यस, अभी वो भी करवाना पड़ेगा एंड फिर टेबलेट्स लेने पड़ेंगे शायद एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। एंड एक अच्छी बात ये है कि मेरे राइट आई में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, अच्छा हो रहा है मेरा राइट आई, सो प्रॉब्ली ऐसा ही हो। आप भी प्रे करो कि मेरे राइट आई में ये प्रॉब्लम ना डेवलप्ड हो। सो या, अब मैं वाटरमेलन खाती हूँ और फिर आपको लंच के टाइम मिलती हूँ। सो गाइज, अब टाइम है लंच का, 1:30 बज गए हैं और मैं लेके बैठी हूँ मेरा लंच जो कि है राइस, करी और प्रॉन्स, मेरी फेवरेट फिश, और कुकुम्बर। सो चलो टेस्ट करते हैं। आज करी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, बट मम्मी को बताया तो मार ही डाल देगी। सो मैं ये इंजॉय करती हूँ, फिर आपको कोल्ड कॉफ़ी टाइम मिलती हूँ। आज बज चुके हैं और अब टाइम है हमारे कॉफ़ी का। सो आज है हॉट कॉफ़ी और ये मुझ पे ना गिरे, बहुत भरी हुई है और बहुत हॉट है। आज मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीती है, अगर गला ख़राब हो गया तो फिर ज़ुकाम हो जाएगा, सो इसलिए हॉट कॉफ़ी नहीं है। और मैं टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है, सो बाद में करेंगे टेस्ट। ऑल्सो आज मैं बुक रीडिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने बुक नहीं पढ़ी आज, क्योंकि थोड़ा मैं स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह कर रही थी नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो इसलिए नहीं टाइम मिला। सो सॉरी, आज नहीं होगी बुक रीडिंग। और आप भी मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आपको सच में जो मैं बुक रीडिंग करती हूँ उससे कुछ वैल्यू मिलता है, या मैं वो स्टॉप कर दूँ या फिर कंटिन्यू रखूँ, बिकॉज मैं ग्राफ्स देख रही थी कि लोग नहीं देख रहे हैं वो पार्ट और स्किप कर रहे हैं। सो आप ही मुझे बताओ। फैन बंद करके इतनी सारी गर्मी हो जाती है, हे भगवान, बहुत पसीना आता है मुझे, बहुत पसीना आता है। सो मैंने प्लेट में ले लिया है कॉफ़ी, देसी जुगाड़। सो लेट्स टेस्ट। वाह मस्त, ऐसे हम चाय पीते हैं, बट हम कॉफ़ी भी पी लेंगे क्योंकि गर्म है यार बहुत। हाँ सो अब मैं इंजॉय करती हूँ और फिर आपको डिनर गेड़ा मिलती हूँ, पहले जाके मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। सिया बाय गाइस। कॉफ़ी पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो रही थी और मेरी एक साइड में यहाँ दर्द हो रहा था, आइज के ऊपर सर दर्द कर रहा था। और जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया वो चैलेंज में जो करी थी, मेरा पूरा सर दुखने लग गया है। मैंने फिर भी कहा आई कैन डू दिस करके मैंने ऑलमोस्ट 80% एक्सरसाइज कर ली, मतलब वो चैलेंज कर ली, बट अब मेरा सर बहुत पेन करने लग गया है। गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है, मे बी कुड बी बिकॉज ऑफ द आई, और आई डोंट नो। मैं नहाने वाली हूँ और फिर मैं आपको डिनर रेडी करके रखा है, सो डिनर दिखाती हूँ और फिर हम व्लॉग एंड करेंगे। सो या, नाउ लेट्स, आई विल सी यू फॉर द डिनर। सो गाइस, 8:30 बज चुके हैं और टाइम है डिनर का। सो मैं लेके बैठी हूँ ये, मैं बताती हूँ ये क्या है। सो पहले मैं अपडेट देती हूँ मेरे सिर दर्द का। सो मैं नहा के आई हॉट वाटर में और मुंह पे ऐसे गर्म पानी ऐसे मारा तो फिर अच्छा लगने लगा, अभी थोड़ा कम हो गया है सिर दर्द। एक्चुअली मैं रॉन्ग टाइप पर आई कैन डू दिस कर रही थी, उससे मेरा सिर दर्द और पेन करने लगा जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी। लाइक ऐसे हार्ट बीट जैसे फास्ट होते ना, धक धक धक, वैसे सिर में से ठक 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 ठक
ऐसे आवाज़ आने लगा, फिर मैंने कहा बस अब बस करते हैं। और हाँ, ये कहानी है श्वेता की। अब मैं डायरेक्टली खाना खा के 1.5 आवर में सोने वाली हूँ, थोड़ा गैप लेके सोना पड़ता है। सो डिनर में मैं खा रही हूँ ये क्या हुआ, सुबह में मैंने 2 खीरे के पराठे बनाए थे। उसमें से एक रह गया, एक ही खाया था मैंने मॉर्निंग में। उसमें ही मैंने फिलिंग डाल दी, फिलिंग है टोमेटो, ऑनियन और ग्रीन चिली की। वही डाली है, थोड़ा सा सॉस भी डाला है, एंड यही मैं डिनर में खाने वाली हूँ। लेट्स टेस्ट। काफ़ी यम्मी बना है, मज़ा ही आ गया। यम। सो गाइज, मैं अभी इंजॉय करने वाली हूँ और इसके बाद मुझे एडिट भी करना है ये वीडियो, पर पता नहीं अगर सिर दर्द ज़्यादा होने लगा तो मैं फिर कल कर दूँगी। एंड हाँ, आज का वीडियो यहीं तक का था। अब मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड जॉइन फैमिली यार। एंड यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो बाय गाइज, सी या।